Hello students, I'm Sumati Dixit and I welcome you to Brain Blossom. We have completed Sarcodina, जो हमने अमीबा का देखा है प्रोटोजोआ में. प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ के जो चार टाइप्स होते हैं कि वो किस तरह से लोकोमोशन करते हैं उसके बेसिस पे हमने चार टाइप्स में डिवाइड किया है. We have completed अमीबा. लास्ट वीडियो में हमने Sarcodina देखा था. Let us start with flagellated. Flagellated है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि उनमें फ्लैजुला प्रेजेंट है. That flagella, this one, flagella may be one in number or up to many. एक हो सकता है, दो हो सकता है, या बहुत सारे flagella भी उसमें present हो सकते हैं. अब इसका reproduction, reproduction हमेशा asexual इस type में. फ्लैजिलेटेड में सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा एंड ऑलवेज ए सेक्सुअल एंड बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन कैसे होता है? सिंपली दो में डिवाइड होना. वो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आपको मैं और प्रॉपरली बताती हूँ किस तरह से होता है. ये वाले फ्लैजिलेटेड को जैसे हमने अमीबॉइड को नाम दिया था Sarcodina, Sarcodina में हमने इस पूरा सभी टाइप्स ऑफ अमीबा पढ़े थे, वैसे फ्लैजिलेटेड का जो नाम होता है उन्हें कहते हैं जू फ्लैजिलेट्स. जू है एनिमल लाइक, तो एनिमल लाइक ही स्ट्रक्चर होता है इनका. ये लिंक है मोनेरा और प्लांट एनिमल एनिमेलिया और फंजाई में. कौन? प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, ये एनिमल का एनिमल के साथ में लिंक है. यूनिन्यूक्लिएटेड, बायन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं. देख देती हूँ आपके लिए. यूनिन्यूक्लिएटेड, बायन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं. ठीक है, इनकी और क्या खासियत होती है? इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, दैट इज ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. आपको ये डेफिनेटली बस कंसिडर कर लो. दिस इज कमिंग इन नीट दिस ईयर और एवरी ईयर. जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं इन दैट ईयर दिस एग्जाम्पल इज डेफिनेटली कमिंग. ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये एक अपनी जो लाइफ साइकिल होता है उसे दो होस्ट में कंप्लीट करता है. दैट इज कॉल्ड एज डायजेनेटिक. ये वैसे ये जो जू फ्लैजिलेट्स है दे ऑल आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मतलब आप क्या समझते हैं? विच इज वेरी हार्मफुल, जो हमें इंटरनल डैमेज करता है. मे किल टू द होस्ट एंड एंडोपैरासिटिक. एंडोपैरासिटिक मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासिटिक. एंडोपैरासिटिक मींस दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड पैथोजेनिक इज दे मे किल द होस्ट. ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस डायजेनेटिक होता है. दैट मीन्स कि वो दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है ये एग्जाम्पल किन दो होस्ट में अपने कंप्लीट कर रहा है लाइफ साइकिल को. वन इज ह्यूमन हम लोगों में एंड द सेकेंड इज सेसे फ्लाई. नाम में टी है, टी साइलेंट है, सेसे फ्लाई. तो ये हुआ डायजेनेटिक. डायजेनेटिक का मीनिंग होता है कि जो दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. मोनोजेनेटिक मीन्स वन हु फिनिशेस कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल इन वन होस्ट. सेसेफ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है Glossina palpalis. वेयर डू आई राइट इट? Glossina palpalis. This is its scientific name. Sessefly. क्या करती है Sessefly? Sessefly एक तरह की fly है. Got it? एक मच्छर जैसा है जो उड़ता है और वो काटता है. जैसे मलेरिया होता है वैसे सेम उसी प्रोसेस से काटेगा. उसके सलाइवरी ग्लैंड में
ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस. जब उसने किसी को काटा तो उसकी ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस गया, एंटर हुआ और वो सर्कुलेट होके उसे एक बीमारी देता है. उस बीमारी का एक खास नाम है, दैट नेम इज स्लीपिंग सिकनेस. अब हम उसे देखते हैं स्लीपिंग, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है नीट में कि स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कौन कैरी करता है, कौन से दो होस्ट होते हैं जिनमें ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एग्जिस्ट करता है या अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. इस तरह के आपके पास में क्वेश्चन हो सकते हैं. तो सिंपली स्लीपिंग सिकनेस के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन कॉज कर रहा है, कौन कर रहा है, ब्लॉसिना पैल्पेलिस या सेसिफ्लाई, टीएससी सेसिफ्लाई. अभी देखो क्या हुआ है. सबसे पहले स्लीपिंग सिकनेस में एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो नहीं सेसिफ्लाई सॉरी, इट्स ए बग, एक इंसेक्ट है. सेसिफ्लाई की सलाइवरी ग्लैंड में ये एग्जिस्ट कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से उसने बाइट किया किसी ह्यूमन को. अब ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया, ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम से ये एंटर हुआ लिम्फ में, लिम्फ से ये गया सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में. सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल अगर स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो चुका है, सेरिब्रल इज द पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम. एक बार वो नर्वस सिस्टम में एंटर हो जाएगा तो वो इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. इंसान सोएगा, सोता रहेगा, इतना सोएगा कि उसे बेहोशी आ जाएगी. एंड पॉइंट कि इतना सोता है. अब आपको ये याद रखना है, कैसे याद रहेगा, सेसिफ्लाई कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. या तो आप ये याद करो या कोई शॉर्ट ट्रिक बनाओ. या फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अब अगर पढ़ाई करते 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 आपको बहुत ज्यादा नींद आती रहे और आपसे कंट्रोल नहीं हो और आपको आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, बार बार सो जाते हैं, तो यू मे फील कि आपको स्लीपिंग सिकनेस हो गया है. अब याद रहेगा, आपको स्लीपिंग सिकनेस हुआ तो याद रहेगा ही, पर आपको नहीं हो सकता. इस एग्जाम्पल से प्लीज याद रखना, सिर्फ इसलिए ये आपको डराने के लिए मैंने कहा है, आपको नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसके आगे उसका रीजन है कि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में एक बार एंटर हुआ तो इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. लेकिन इसका पूरा नाम है एफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस. यस, ये सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता है. तो वहां जो भी है लोग, वहां उधर ही उसको सेम होस्ट मिलेगा, वहीं के वहीं वो अपने होस्ट के साथ में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा. अगर कोई एक भी इसमें से नहीं है तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है. अगर सेसिफ्लाई नहीं है तो वो ह्यूमन ब्लड में से एक टाइम के बाद में फिनिश हो जाएगा, और अगर वो ह्यूमंस वहां नहीं है तो सेसिफ्लाई से आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है. सो यू आर कंप्लीटली सेफ विद सेसिफ्लाई, आपको ये नहीं होने वाला है. अब याद रहेगा, इससे आपको कोई खतरा नहीं है. बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी, दैट मीन्स यू आर इन इंडिया, तो आप सेफ हो. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज किया, फिर अनकॉन्शियस स्टेज आएगी और आफ्टर सम टाइम अनकॉन्शियस स्टेज के बाद में इट विल कॉज सीवियर केस में इट कॉजेस डेथ. गॉट इट? ये हुई उसकी पूरी लाइफ साइकिल की, किस तरह से वो इस डिजीज को पूरी लाइफ साइकिल को कॉज करता है और कंप्लीट करता है. अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर. यहां मैं बीच में काफी स्पेस है, लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर फॉर यू. इसका किसका स्ट्रक्चर? ये सेसिफ्लाई का नहीं, वो तो पूरी एक मॉस्किटो जैसी ही फ्लाई होती है. ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का स्ट्रक्चर, ट्रिपैनोसोमा
Gambians. देखो कैसा होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। पहले ही क्लियर कर दूं, इसका जो डिवीजन मैंने आपको बोला था बताऊंगी, एसेक्सुअल बाइनरी फिशन। कैसा होगा बाइनरी फिशन, इसमें होगा लॉन्गिट्यूडिनल, तो यहां लिखती हूं लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स अगर होता है तो वो होता है ऐसे, ये है ट्रांसवर्स डिवीजन। पहले भी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी हूं, फिर से समझ लो, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। यहां पर जो भी मास है वो कर सिंपली हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा और ये दो बन जाएंगे। ये हुआ हमारा उसकी एक्सटर्नल बॉडी। यहाँ ये उसका पोस्टीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड मतलब उसका पीछे का पार्ट, और ये होता है उसका एंटीरियर एंड। यहां पर एक होती है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, दिस इज समवेयर न्यूक्लियस है यहां पर कुछ उसका, दिस इज न्यूक्लियस, और यहां इसकी बेसल बॉडी से एक फ्लैजिला अराइज होता है। ध्यान से समझना, ये फ्लैजिला इसकी बॉडी से अटैच होकर चलता है टिल अप टू एंटीरियर एंटीरियर एंड, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ। नॉर्मली हमने क्या देखा है, किसी का फ्लैजिला देखा है हमने ऐसे करके और वो सीधा निकल जाता है, और छोटा होता है तो ऐसा होता है, बड़ा होता है, सब टाइप की मैंने आपको बताया, तो वो इस टाइप के होते हैं। लेकिन इस केस में ये यहां से स्टार्ट हुआ है, उसकी बॉडी के साथ में अटैच होकर चलता है, यहां तक जाता है और फिर यहां वो फ्री हो जाता है। एंटीरियर एंड पर पहुंचने के बाद में वो फ्लैजिला फ्री हो जाता है। मैंने यहां ड्रॉ करा है, इट कैन बी इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। यहां पर उसके साथ में क्या किस चीज से अटैच रहता है वो, ये सीलिया नहीं है, ये एक मैम्ब्रेन मैंने बनाई है, जो बहुत थिन पतली सी एक ट्रांसपेरेंट सी मैम्ब्रेन होती है, वो मैम्ब्रेन इसकी कंटिन्यू होती है अप टू द एंटीरियर एंड, और यहाँ एंटीरियर एंड पर जाकर वो उसे फ्री कर देती है। ये एक थिन मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस कर देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो जाना इन फ्यूचर की ये सीलिया है, ये सीलिया नहीं है, इट्स अ मेम्ब्रेन। इसी तरह से ड्रॉ करना और उस पर प्रॉपरली अब आपको लिखना है कि दिस इज फ्लैजिला, लिखा है मैंने, ये यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, लिख लेना इसके एक ऑप्शन में और, दीज आर यूनिफ्लैजिलेटेड। जू फ्लैजिलेट में हम जो देख रहे हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस यूनिफ्लैजिलेटेड है, ये हुआ इसका फ्लैजिला। ये जो है, ये जो मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज अ थिन मैम्ब्रेन, इससे इसका एक नाम होता है, दैट इज अंड्यूलेटिंग मैम्ब्रेन, UNDULATING, undulating membrane. It's a thin, इसका explanation भी लिखा है, it's a thin membrane जो उसको attach रखती है उस flagella को उस body के साथ में। Clear है, ये एक flagella है, ये एक flagella है। ड्रॉ करते समय ध्यान रखना ये क्या ड्रॉ कर रहा है, दिस इज अ फ्लैजिला। इसके अलावा इनमें कुछ खास चीजें और होती है, इनमें होते हैं ग्रैन्यूल्स, फूड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसे कहते हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, दीज आर फूड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। हुआ स्ट्रक्चर क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट सेसेफ्लाई, ये सेसेफ्लाई नहीं, दैट्स ऑल अबाउट ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया, फ्लैजिलेटेड में इतना ही था, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिलिएटेड। यस गाइज, हमने कर लिया है फ्लैजिलेट्स,
अब आते हैं सिलिएटा पे। सिलिएटेड क्या होते हैं? वेरी सिंपल, सिलिएटेड वो होते हैं जो जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर मेनी, और वो एक साथ में फ्लोट करते हैं, साथ में हिलते हैं, साथ में उनका मूवमेंट होता है। सीलिया का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम देखा है आपने कभी? स्लिपर शेप का होता है हमेशा, मतलब छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि स्लिपर शेप का एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर, जो अपनी पूरी उसकी, अच्छा हाँ, पूरी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स शो करता है। हाँ, इससे मुझे याद आया कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि आई टेल यू कि ये किस तरह से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं यूनिसेल्यूलर होने के बावजूद भी। दे आर एनिमल्स एंड बीइंग एनिमल्स, मतलब एग्जैक्टली एनिमल्स नहीं है, दे आर यूनिसेल्यूलर सेल्स, बट प्रीवियसली दे वर केप्ट इन यूनिसेल्यूलर, केप्ट इन एनिमेलिया। बाद में जब वो यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्स थे, यूकैरियोटिक सेल्स थे, इसलिए उन्हें डिफरेंशिएट करा था। बट उनका बिहेवियर तो एनिमल्स जैसा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसे कॉम्प्लेक्स होता है वो हम अभी पैरामीशियम में देखने वाले हैं। पैरामीशियम हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें मैं आपको पहले बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट, बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम इसके बारे में हम ज्यादा ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल आपको सिर्फ याद रखना है कि ये एक पैथोजेनिक पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करके करता है एंड कॉजेस डिसेंट्री। डिसेंट्री में क्या होगा? मोशन विथ ब्लड एंड म्यूकस एंड एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, ये आपको मैंने बताया था। तो ये बैलेंटीडियम जो होता है, पैरामीशियम बैलेंटीडियम, ये वाली इसकी स्पीशीज बहुत हार्मफुल होती है। उसके अलावा देखते हैं कि सिलिएटा जो भी होते हैं, सिलिएटेड पैरामीशियम, वो होते हैं फ्री लिविंग इन फ्रेश वाटर और पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जाम्पल बताया आपको मैंने, क्लियर हुआ यहां तक? अब देखते हैं इनके न्यूक्लियस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा दो टाइप के न्यूक्लियस होता है, दैट कैन बी वन मैक्रो एंड वन माइक्रो न्यूक्लियस। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप से आपको मिलेगा। दैट कैन बी वन मैक्रो एंड टू माइक्रो न्यूक्लियस, और कुछ स्पीशीज में देयर कैन बी वन मैक्रो एंड मेनी माइक्रो न्यूक्लियस। गॉट इट? थ्री टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। आई एम राइटिंग इट हियर, आपको ये ध्यान रखना है। देखो, न्यूक्लियस जो होता है वन मैक्रो प्लस विथ वन माइक्रो, ये टाइप हो सकता है। एक हो सकता है वन मैक्रो प्लस टू माइक्रो, और थर्ड टाइप कैन बी वन मैक्रो विथ मैनी माइक्रो। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? इतनी टफ कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। इनके जो मैक्रो न्यूक्लियस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो होते हैं थोड़े किडनी शेप के। किडनी शेप आपको पता है। ये किडनी शेप के साथ में एक माइक्रो न्यूक्लियस हो सकता है, दो हो सकते हैं, और इट कैन बी मेनी न्यूक्लियस। अब ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं? ऐसे एक मैक्रो एक माइक्रो दो अलग अलग की जरूरत क्या है? इनका फंक्शन इन्होंने डिवाइड किया होता है। जितने भी माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो दे हैव रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम्स, और जो मैक्रो होता है वो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं
वो सब हेल्प करते हैं फॉर सेल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो जितना भी सेल ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझे आप, जो भी जो डेली का काम हो रहा है, रोज का खाना पीना उठना बैठना, वो सारा मेंटेन कर रहा है इनका मैक्रोन्यूक्लियस सिंगल. और जो माइक्रो होते हैं छोटे छोटे वाले, क्या अगर सिंगल है तो उसका पर्पस होता है रिप्रोडक्शन के में हेल्प करना, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन. उसमें क्रोमोसोम्स जो होंगे वो जेनेटिक मटेरियल, दोनों में जेनेटिक मटेरियल है, बट दिस जेनेटिक मटेरियल इज हेल्पिंग इट फॉर नेक्स्ट, जब डिविजन होगा और नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो क्या उसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो. और ये जो मैक्रो है इट इज ओनली हेल्पिंग इन रोज का, रोजमर्रा का जो हमारा डेली बेसिस का जो काम होता है, फूड एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो कर रहा है सेल मैक्रोन्यूक्लियस, सेल का ऑर्गेनाइजेशन पूरा. दैट्स इट, ये इतना ही है. अब इसमें देखते हैं हम पैरामीशियम का स्ट्रक्चर. पैरामीशियम MOECIUM, पैरामीशियम स्ट्रक्चर. देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का, स्लिपर शेप्ड होता है, हमेशा से ही सुना है आपने स्लिपर शेप्ड होता है. स्लिपर का शेप कैसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है, यहां से ऐसा कुछ होता है एग्जैक्टली. कुछ ऑलमोस्ट वन ड्रॉ किया है मैंने, ऐसा ही कुछ होता है. फिर यहां इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइटोस्टोम होता है जो अभी आपको मैं बता रही हूं, घबराइए नहीं. चलिए ये तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया. इसमें चारों तरफ इस पे सीलिया होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, दूर बना रही हूं मैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सीलिया बहुत सारे होते हैं, छोटे वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. ये इनका मूवमेंट हमेशा एक जैसा एक तरफ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब बोट चलती है साथ में तो चप्पू किस तरह से सब एक ही साथ में एक बार में चलाते हैं, ये मूव करके इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करते हैं और इसे फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं. ये जो सीलिया होते हैं ये थोड़े से यहाँ अंदर भी होते हैं. और ये चीज क्या है, ये अंदर जो मैंने ड्रॉ करी है, दिस थिंग इज, ये जो है ये इसका गुलेट है या गलेट. गुलेट आपको मैंने पहले बताया था कि गुलेट या गलेट, गलेट जो होता है वो किसी भी सेल का वो स्पेस होता है, वो जगह होती है जहां से उसका एक्सटर्नल फूड इंटरनली एंटर करता है. तो यहां से इसका फूड एंटर करता है और ये सीलिया उसे डायरेक्ट करते हैं जिससे ये फूड इंटरनली ही जाए, एक्सटर्नली वापस ना आए और उस फूड को उसके वैक्यूल तक पहुंचाने में मदद करता है. दिस इज द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल. इस जगह को, ये जो है ये इसका माउथ है. मैंने बोला था आपसे कि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं लाइक एनिमल्स, इनमें क्लोरोफिल टोटली एब्सेंट होता है. दे आर होलोजोइक, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो होलोजोइक इनका न्यूट्रिशन होता है एंड हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक फ्री लिविंग होते हैं. अभी यहां पर देखते हैं फूड वैक्यूल है, ये इसका माउथ है, इसके माउथ को कहते हैं साइटोस्टोम. इसके माउथ का प्रॉपर नाम होता है साइटोस्टोम. फूड यहां से एंटर होता है, पैरामीशियम का जनरल स्ट्रक्चर है विद सीलिया, उसमें मैंने आपको सबसे पहले माउथ बताया है. उसके माउथ में ये एक तरह से उसका ईसोफेगस है और ये उसका स्टमक है. डोंट यूज सच वर्ड डायरेक्टली, वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा है, लेकिन ये उसका इस पोर्शन को कहते हैं गुलेट या गलेट. और गलेट में माउथ होता है, साइटोस्टोम, और यहाँ होता है फूड वैक्यूल. पैरामीशियम के फूड वैक्यूल की एक स्पेशलिटी होती है, ये फूड वैक्यूल कैन चेंज इट्स शेप. कुछ स्पीशीज में ये शेप पूरा एट शेप में यहाँ से मूव होकर यहाँ तक आता है. दिस इज बिकॉज कि उसका फूड सभी जगह पर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और सप्लाई हो जाए. ये इसके साइटोस्टोम को एक्सप्लेन किया मैंने, एक छोटा सा सर्कल आपने देखा होगा, यहाँ भी एक कैविटी जैसा बनाकर अलग से मैंने इसे डिफरेंशिएट किया है. ये होता है इसका एनल पोर. एनल पोर मतलब एक ऐसा स्पेस जिसे हम साइटोपाइज भी कह सकते हैं. ये वो जगह होती है जहां से वो अपना इजेक्ट करता है जो भी उसका डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसे एक्सटर्नल
एनवायरमेंट में सेंड करने के लिए वो यहाँ से करता है. कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो होते हैं उनमें एनल पोर जो होता है, एनस जो होता है, उस तरह से इसका एनल पोर होता है, ये इसका एनस होता है. यहां तक ये प्रॉपरली क्लियर, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है. इसके पास में एक रेडिएटिंग कैनाल वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है. रेडिएटिंग कैनाल क्या है, ये जो मैं भी इसकी लीफ जैसी ड्रॉ कर रही हूं, ये रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं. ये फ्लावर शेप का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है. दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है. दोनों लीफ शेप के होते हैं. जो ये लीफ शेप्स इसमें मैंने ड्रॉ करी हैं, व्हाट आर दे, ये रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं. इनका नाम होता है रेडिएटिंग नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसको रेडिएटिंग कैनाल की क्या जरूरत है. नो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये फ्रेश वाटर में ड्वेल कर रहे हैं तो फ्रेश वाटर की सैलिनिटी चेंज हो सकती है. अगर पानी की सैलिनिटी चेंज हुई है तो इसको अपनी सैलिनिटी मतलब पूरा श्रिंक ना हो जाए, पूरा स्वेल ना हो जाए, वो मेंटेन करके रखना है. तो उसे मेंटेन करने के लिए इनके पास में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो मेंटेन करते हैं इनका ऑस्मो रेगुलेशन. क्लियर है ये किस काम आते हैं. तो रेडिएटिंग कैनाल क्यों है, रेडिएटिंग कैनाल इसलिए है कि कोई भी सरफेस अगर वो स्ट्रेट है तो उसका एरिया ज्यादा है, या इतनी ही दूरी में मैंने ये यहाँ पर एक सरफेस एरिया और एक सरफेस और बनाया जो इस तरह से बनाया है. आपको बिल्कुल क्लियर है कि इसका सरफेस एरिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, ये कम है, छोटा है, ये इतने ही एरिया में इसमें ज्यादा आ गया. तो ये जो रेडिएटिंग कैनाल्स बन जाते हैं, जो फ्लावर स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये इसको ज्यादा स्ट्रक्चर देते हैं. तो ये थोड़ी सी दूरी में ज्यादा ऑस्मो रेगुलेशन शो कर सकता है, दैट इज वाई दे हैव रेडिएटिंग कैनाल्स. यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है. तो अब हम आते हैं फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे. इसके पास में एक किडनी शेप मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है. मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि मैक्रोन्यूक्लियस हेल्प्स इन उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प्स इन उसका रिप्रोडक्शन. मैक्रो न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है कर रहा है, और माइक्रो न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल है पूरा उसका रिप्रोडक्शन करने में. यहां तक 100% क्लियर हुआ. इसका सेल स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल है, क्लियर है, सिंपल है, इजी है. मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया करवाने में. आई होप आप लोगों को पूरा समझ के मजा आया होगा. कुछ नया किया हमने आज. रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन अब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन वो बाय एसेक्सुअल, बता चुकी हूँ आपको, नहीं बताया, देखो इसका रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अगर एसेक्सुअल होगा तो ये होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. अगर दिमाग लगा रहे हो तो सोच चुके होंगे कि ट्रांसवर्स तो लॉन्गिट्यूडनल ये है, ट्रांसवर्स ये है, कैसे होगा, दिमाग लगाते रहो. तब तक सेक्सुअल का बताती हूँ, इट इज बाय कॉन्जुगेशन. इधर आ जाओ, उधर दिमाग मत लगाओ, मैं बता दूंगी. कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि दो सेल्स अपने पास में आते हैं, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, एक न्यू जायकॉट फॉर्म करते हैं. दैट फॉर्म विल अगेन डिवाइड बाय बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में वो वापस डिवाइड होगा. कॉन्जुगेशन इज सिंपली कमिंग टूगेदर एंड एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल. तो यहाँ सेक्सुअल तो शॉर्ट में क्लियर हो गया. अब आते हैं एसेक्सुअल ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. जो भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये जो मैंने एक सेल बनाया उसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल हुआ तो ये लेंथ वाइज इस तरह से हो गया. ट्रांसफर्स बन होना है इसको तो वो इस तरह से डिवाइड होगा. नाउ द पॉइंट इज कि इस केस में अगर ट्रांसफर्सली डिवाइड होगा तो यहां से डिवाइड हुआ हाफ. अभी ये हाफ करने में एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उधर चला गया, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इधर रह गया, फिर हमारा साइटोस्ट्रोम यहां रह गया, हमारा एनल पोर यहां रह गया. तो हमारा आधा आधा हुआ तो उसमें तो डिविजन ही नहीं हुआ. वो बेचारा ऊपर वाला तो
करेगा क्या, उसके पास तो हुआ ही नहीं है। गुड क्वेश्चन। यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन पहले से ही बना रखा है। क्या सॉल्यूशन है इसके पास? जब इसका डिवीजन का टाइम आता है, बाइनरी फिजन का टाइम आता है, उस टाइम पर ये यहाँ पर एक साइटोस्ट्रोम ग्रो करेगा विद फूड वैक्यूल और एक एनरपोर यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर तो इसका था ही साइटोस्ट्रोम और एक एनरपोर, ये दोनों डिवाइड हुए। पहले ये दो डिवाइड में, दोनों में ये ग्रो करे। अब यहाँ पर डिवाइड होने वाला है हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, दो में डिवाइड हो गए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस आ गए। सीलिया है, रिमेम्बर कि सीलिया तो होगा ही, सीलिएटेड में ही पढ़ रहे हैं हम। इससे पहले जू फ्लैजिला करा था, अब फ्लैजिला वाला था वो, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन वाला याद होगा अभी तक तो शायद, इतनी जल्दी मत भूलना। ये इसके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नीचे वाला एक था फ्लावर शेप, इसने एक और ग्रो कर लिया। इसके मेन जो सेल ऑर्गेनल्स है वो इसने अपने डिवाइड कर लिए हैं, पहले ही ग्रो कर लिए है फ्लावर शेप और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये लो, ये बन गए, दो हो गया सब कुछ। अब दिस विल डिवाइड इनटू टू बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। अब नीचे का हाफ पार्ट ग्रो करना है, ऊपर वाला नीचे वाला ग्रो करेगा और नीचे वाला ऊपर वाला ग्रो कर लेगा। डन हो गया बाय ट्रांसवर्स। अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाते हो, कॉन्जुगेशन जब करना है तो दो सेल पास में आएंगे और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे और उसके बाद में जो उनका विथ न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ में जो बनेगा जायगोट वो अगेन डिवाइड होगा बाय द सेम प्रोसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट सिलिएटा, दैट्स ऑल अबाउट पैरामीशियम। इसमें आपको याद रखने के लायक बात क्या है, पैरेंटीडियम और ये ट्रांसवर्स डिवीजन से डिवाइड हो रहा है, इसका माउथ एनल पोर, रेडिएटिंग कैनाल्स के बारे में आपको याद रखना है। दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं आएगा, ये अपने आप में ही बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग होता है। अब हमारा हो गया अमीबॉइड सार्कोडिना, जो किया हमने जूफ्लैजिलेटेड और सीलेटेड हो गया स्पोरोजोइड को, या स्पोरोजोइड को यहाँ पर स्पोरोजोन भी कहते हैं, स्पोरोजोन। अब हमें ये करना है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। टिल देन फिनिश इट, स्टडी वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर।